दिल्ली के मशहूर पीआरओ शैलेश गिरी के साथ कुछ दिनों पहले साइबर क्राइम से जुड़ा एक हादसा हो गया। उनके बैंक अकाउंट से आतंक के द्वारा किसी ने 50,000 रुपए निकाल लिए। शैलेश गिरी उत्तर भारत के एक स्थापित पीआरओ हैं। साथ ही वो कई बड़े कलाकार जैसे अजय देवगन, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के पर्सनल रिलेशन मैनेज करते हैं। न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में शैलेश ने बताया कि बीते बुधवार उनके पास रात 11:30 बजे बैंक की तरफ से एक कॉल आई। उस कॉल में उनसे उनके अकाउंट से निकाले गए 50,000 रुपयों के बारे में पूछा गया। शैलेश ने जब कहा कि यह पैसे उन्होंने नहीं निकाले तो बैंक अधिकारी ने उनसे तुरंत अपना कॉल ब्लॉक करवाने के साथ ही फर करने की सलाह दी। शैलेश ने न्यूज 18 को बताया कि बीते दिनों वो लवकुश रामलीला के आयोजन में बहुत व्यस्त थे। इस कारण उस सप्ताह उन्होंने करीब 5 या 6 बार ATM डेबिट कार्ड से पैसे निकाले थे। इसी दौरान किसी ने उनके कार्ड की कॉपी कर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए होंगे। शैलेश ने पुलिस में फर लिखवाने के साथ ही बैंक को भी सूचित किया है, लेकिन उनका कहना है कि ना तो पुलिस ने कोई सहायता की है ना ही बैंक किसी तरह की मदद कर रहा है। शैलेश का कहना है कि अभी उन्हें पैसे वापस नहीं मिले हैं और पुलिस के मामले को सीरियसली ना लेने के कारण उन्हें इसकी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है।